ज्वार बाजरे चावल सब काट के साइड में रखा। एक त्याच्या सोबत अजून वगैरे नाही होत असेल ना त्याच्या सर कॉस्टिंग कोणता दादा पण इसमें नौ नौ जला दीजिए तो ये अपने फल बागों के लिए यूज होता है। दूसरा है ये जो है फल बागों के लिए जो देखो डालें में तो ये यहाँ लगता है साइड वाला अटैच है। ये जो है मूंगफली है सोयाबीन है जो छोटे रहते हैं छोटा है उसमें लगा रहेगा कपास में इसको इनका सेटिंग इधर दिया है और नीचे होता है अगर थोड़ा छोड़ बड़ा हो गया तो यहाँ से काटें यहाँ डाल देते छोड़ को नुकसान नहीं होनी चाहिए ना सर। इसमें और कौन से अटैचमेंट दे सकते हैं ना सर? बहुत है पूरा सब एक में। अच्छा तो फिर मुझे अगर ट्रैक्टर लेना है सिर्फ ये मुझे लेना है तो वैसे हो सकता है? टंकी के साथ पूरा सेट है पूरा और ये पंप कितने इसमें सर? तो वो जो पंप है वो उससे आउटपुट शाफ्ट से रोटेट होता है और इतने सारे उसके लिए क्या कर रहा है सप्लीमेंट सब उसमें आ सकते हैं मतलब आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं। ट्रैक्टर एक ही लेना चाहिए ट्रैक्टर एक ही मतलब हर सप्लीमेंट एक चीज हो जाता है मतलब नहीं अभी मेरे को क्या चाहिए अभी मेरे पास खुद का ट्रैक्टर है इतना ही इसका साइज का ट्रैक्टर है मेरे को अभी ये जो चीज है मेरे ट्रैक्टर में लगाने की कुछ मेरे को बदलना पड़ेगा? नहीं कैप्टन का रहता तो कुछ बदलना नहीं पड़ेगा और कैप्टन का नहीं रहेगा तो बदलना पड़ेगा मतलब क्या बदला वो नीचे का ये वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। एक स्प्रेयर और जो ये स्प्रिंग दिया है अपने आप टेंशन देता है इसलिए मूव भी होने इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब खेत में चला रहे हैं और पूरा आगे आ गया पूरा खेत खत्म हो गया दूसरा का आ गया वहाँ से घुमाने के लिए तो ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं मतलब कैसे आपके टर्न मार क्रॉप के हिसाब से। हाँ चलो और ये कितना इसका कैपेसिटी का टंकी है? 200 लीटर। थैंक यू सर।